खातेगांव निवासी राजेश, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बेटी वैशाली बाइक से नेमावर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एसयूवी कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें तीनों को गंभीर चोटें आई। तीनों को खातेगांव सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर माता पिता ने दम तोड़ दिया। बुरी तरह से घायल बेटी वैशाली को भी हरदा रेफर किया गया, लेकिन उसकी भी रास्ते में मौत हो गई। घटना को लेकर गुस्साए नागरिकों ने खातेगांव थाने के सामने काफ़ी देर तक जाम भी किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि विधायक आशीष शर्मा की ओर से 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद परिजनों को दिए जाने की घोषणा की है। घटना के बाद पूरे खातेगांव नगर में शोक की लहर छा गई। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आज खातेगांव के रहने वाले राजेश राठौर अपनी पत्नी सुनीता और अपनी 15 वर्ष की बालिका के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर वो नेमावर स्नान के लिए जा रहे थे। तो वो नेमावर से 2 किलोमीटर पहले रामनगर पर उसकी मोटरसाइकिल को एक एसयूवी कार ने से उसकी एक्सीडेंट हो गई थी। इसमें माता पिता तो जब उनको खातेगांव लाया गया तो उनकी डेथ हो गई थी। बिटिया उनकी हरदा अस्पताल में थी, उसी ने ये सूचना दी थी। फिर वो उनकी उस 15 वर्ष की बिटिया का भी देहांत हो गया था। इस पर अब थाना खातेगांव में अपराध दर्ज कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर लिया गया है। स्थानीय विधायक माननीय आशीष शर्मा जी के द्वारा मृतक तीनों मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है, और विवेचना कर हम उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई और जो क्लेम प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।